गंगावती विधानसभा क्षेत्र कोप्पल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां हनुमान जी का या सनातन धर्म के भक्ति के उद्गम स्थल माना जाता है। इस क्षेत्र में क्षेत्र के लोग आज तक राजनीति संरक्षण के लिए या उनकी सहायता के लिए आशान्वित रहे, लेकिन कभी भी उनके आशा के अनुरूप किसी प्रकार का कोई सहयोग इस क्षेत्र के विकास में नहीं है। आज जनार्दन रेड्डी MLA के रूप में जीता है इन क्षेत्र से, और हमको लगता है जो हनुमान जी स्वयं उनको बुलाया है इस क्षेत्र पूरे समस्त किष्किंधा क्षेत्र के विकास के लिए। एक छोटी सी घटना आपको बताते, विद्यारण्य स्वामी जब बनारस पढ़ाई करने गए थे तो वहाँ के लोगों ने कहा था, जो पंपा सरोवर है, हनुमान जी की जन्मभूमि है, किष्किंधा क्षेत्र है, जिस जगह की जिस स्थान की सौंदर्यीकरण का प्रशंसा स्वयं राम जी कर चुके हैं, ऐसे जगह के विकास और विस्तार के लिए आप लोग कुछ करो। विद्यानंद स्वामी पढ़ाई छोड़ कर के यहाँ आकर के विजय लक्ष्मी टेम्पल में तपस्या किया 12 साल, कुछ लाभ नहीं मिला। फिर 12 साल तपस्या किया उन्होंने, और उसके बाद सवा पहर सोने चांदी की बारिश हुआ, उसके बाद हक्का बुक्का के साथ विजयनगर की स्थापना हुआ। उस समय से किष्किंधा अपना पहचान बताने के लिए कई प्रकार की प्रयोग करता रहा, लेकिन शायद कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण किष्किंधा सदैव किताब के पन्नों में ही दबता गया। लेकिन आज जिस प्रकार से जनार्दन रेड्डी बेल्लारी के होने के बावजूद गंगावती क्षेत्र में आकर के लोगों का विश्वास जीता है, और हनुमान जी जिस प्रकार से उनको बुलाया और इस क्षेत्र का भार सौंपा है, हमको लगता जो सभी के विश्वास पर खड़ा उतरेंगे, और जितने भी कम से कम खेरा गांव के पब्लिक है या गांव के लोग हैं, उस सबके प्रति इनका स्नेह और हनुमान जी के प्रति जो उद्गार है वो अविस्मरणीय।